सब्जी व्यापारी एकत्रित हुए हैं। करीब 200 से ज्यादा ये सब्जी व्यापारी बताए जाते हैं। प्रशासन से सब्जी दुकानें खोले जाने की मांग कर रहे हैं। भाटागांव बस स्टैंड के पास मौजूद हुए हैं सब्जी व्यापारी। 2 महीने से सब्जी नहीं बेच पाने से खासे नाराज है। आर्थिक स्थिति का भी हवाला इनके द्वारा लगातार दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर में सैकड़ों सब्जी के व्यापारी एकत्रित हुए हैं। करीब 200 के आसपास इनकी संख्या बताई जाती है। प्रशासन से सब्जी की दुकानें खोले जाने की मांग कर रहे हैं, अनुमति की मांग कर रहे हैं। आर्थिक संकट अब जो गहराने लगा है उसको लेकर अब ये लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद जिस तरह से शराब की दुकानें पूरे देश में खोली गई हैं, उसके बाद अब ये सब्जी के जो व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं तो सब्जी तो मूलभूत सुविधाओं में आती है, नेसेसरी कमोडिटीज में है, तो इनको भी खोला जाना चाहिए, क्योंकि इनके सामने भी रोजी रोटी और का संकट अब खड़ा हो गया है। देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 15